It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. तो हाय गाइस, लौट चुके हैं यार एक और नई वीडियो लेकर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको पबजी मोबाइल का टॉप 5 मोस्ट रेयरेस्ट आइटम के बारे में बताने वाला हूँ, जो अगर आप पूरे मैप में ढूंढ लो तो भी आपको बहुत कम मिलेगा और कभी कभी तो मिलता भी नहीं है। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस, आज का वीडियो में लाइक रखते हैं 5 लाइक्स, तो आप पूरा कर दीजिए प्लीज़ गाइस, 5 लाइक्स का एम पूरा कर दीजिए। और जो भी चैनल पर नया आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो पहला जो 5th नंबर में जो रेयर आइटम आता है वो है M24। भाई ये बहुत ही रेयर स्नाइपर है। मैं मतलब पबजी मोबाइल में 100 से ज़्यादा मैच खेल चुका हूँ, पर मुझे ये गन सिर्फ 1-2 बार ही मिला। गाइस, आप इसे समझ सकते हो कि ये गन कितना रेयर। M24 मतलब K98 के तो मिल जाता है, मुझे 100 बार में K98 के बहुत 20-30 बार मिल चुका है, पर M24 सिर्फ 2-3 बार ही मिला। पर M24 इतना रेयर है, मुझे इतना क्यों पता नहीं। मैं हर बार जोरजापुर उतरता हूँ पर फिर भी M24 नहीं मिलता। भाई ये बहुत ही रेयर गन है। माल्टा पर कहीं भी मैं सब जगह खोज लिया, पर ये गन बहुत ही कम मिलता है, मुझे पता नहीं क्यों, पर बहुत ही कम मिलता है, तो इसलिए मैंने इसे 5वें नंबर पर रखा। तो जो 4th नंबर पर आता है वो है गिली सूट। भाई गिली सूट तो सिर्फ ड्रॉप में मिलता है, और कभी कभी क्या होता है कि एक गेम में सिर्फ एक ही गिली सूट रहता है, और गिली सूट बहुत ही रेयर होता है। और इससे आप समझ सकते हो कि एक गेम में सिर्फ एक ही गिली सूट, ये मतलब गिली सूट बहुत ही रेयर है और ड्रॉप कहाँ गिरता है। अब तो हर ड्रॉप में नहीं जा सकते, इसलिए आप ड्रॉप लूट भी नहीं सकते गिली सूट वाला। तो गिली सूट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, और ये गिली सूट बहुत ही रेयर है, मतलब रेयर है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए मैंने 4th रखा। तो 3rd नंबर पर जो रेयर चीज़ है वो है Level 3 का वेस्ट। भाई Level 3 का वेस्ट बहुत ही मुश्किल से मिलता है। भाई ये Level 3 का वेस्ट मतलब इतना शक्तिशाली है ना भाई कि क्या बताओ आपको। ये Level 3 का वेस्ट बाकी में बहुत अच्छा है, और गाइज ये Level 3 का वेस्ट बहुत ही रेयर है, आपको मिलेगा ही नहीं, ये बहुत ही रेयर है। गाइज ये सिर्फ पहले जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको ही मिलता है, और बाद में आप कहीं भी चले जाओ ये नहीं मिलता, ये बहुत ही रेयर है, ये सिर्फ ड्रॉप में ही मिलता है आपको। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना रेयर है। कभी कभी ये मतलब लूटिंग प्लेस है जॉर्जिया पुल पचिन की जगह में मिल जाता है, और इनको मिलना बहुत ही रेयर है। मतलब अगर आप 10-12 बार 20 बार खेलते हो तो आपको सिर्फ एक ही बार मिल सकता है, और ये बहुत ही रेयर है भाई, इसलिए मैंने इसे 3rd नंबर पर रखा। तो 2nd नंबर पर आता है फ्लेयर गन। तो भाई फ्लेयर गन मतलब सबसे रेयरेस्ट आइटम है, क्योंकि भाई ये गेम में सिर्फ 10 ही रहता था। आप समझ सकते हो 10 मतलब गेम के इतने बड़े मैप में सिर्फ 10 ही फ्लेयर गन, तो आप समझ सकते हो कितना रेयर है ये फ्लेयर गन। और ये फ्लेयर गन ज़्यादातर टाइम आपके लक में डिपेंड करता है, और कभी कभी तो मैंने प्लेयर्स को देखा है कि एक मैच वो लोग 4-5 फ्लेयर गन उठा लेते, तो भाई उनका लक अब देखिए भाई। इसलिए फ्लेयर गन को मैंने 2nd नंबर पर रखा, क्योंकि भाई फ्लेयर गन इतने बड़े मैप में सिर्फ आपको 10 ही फ्लेयर गन मिलते, तो आप समझ सकते हो कि कितना रेयर है ये फ्लेयर गन। तो भाई जो पहला जो हमारा जो रेयर आइटम है वो है बैरल M762 गन। भाई ये गन बहुत ही रेयर, भाई ये सिर्फ आपको बॉट्स में ही मिलता है, और इससे आप समझ सकते हो कि कितना रेयर ये गन है। बैरल M762 बहुत ही रेयर गन है भाई, मुझे मतलब सिर्फ एक ही बार मिला है, 10-12 मैच मतलब 20-30 मैच खेल चुका हूँ मैं इस 0.9.0 अपडेट के बाद, फिर भी मुझे एक बार मिला। और गाइस ये गन जितना रेयर है उतना पावरफुल है भाई, ये मतलब AKM से 2 गुना अच्छा है। तो गाइस ये आपको कहीं भी दिख जाए, मतलब बोट को मार के दिख जाए तो उठा लेना। और गाइस आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो का सेकंड पर तो नीचे कमेंट करके बता देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए एज ऑलवेज बाय।